हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से यूके के बारे में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं लेकर आ रही हूँ। मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था यूके का कॉस्ट ऑफ लिविंग, फिर इधर आने के बाद कौन सा एरिया चूज़ करना है, फिर इधर का स्कूल एडमिशन, उसी के बारे में मैंने आपके साथ शेयर किया था। जैसे आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इधर का GP और NHS और डेंटल केयर के बारे में, क्योंकि मैं इंडिया से आई है ना, मुझे बहुत, जब मैं इधर आया तो मुझे बहुत डिफरेंट लगा। मैंने सोचा आपको भी थोड़ा, अगर कोई इधर शिफ्ट हो रहा है तो उनके लिए भी यूज़फुल तो रहेगा, लेकिन अगर इंडिया में ही है तो है ना, उनको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट है इधर का GP का और डेंटल केयर सिस्टम है ना, बहुत डिफरेंट है। ठीक है, शुरू करते हैं हमारा वीडियो। और वीडियो शुरू करने के पहले मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक करना भूलना नहीं। इधर आने के बाद आप लोग घर रेंट पे लेते हैं ना, उसके बाद आपका घर का नियर बाई एरिया में GP होता है, आपको उधर जाकर रजिस्टर करना है। और GP का मीनिंग है जनरल प्रैक्टिशनर। और आप क्या है ना, GP में क्यों रजिस्टर करना है, क्योंकि आपको अगर कोई बीमारी या कुछ भी, कोई फीवर या कोल्ड कुछ भी होता है ना, आपको सबसे पहले GP में ही दिखाना पड़ता है। और फिर एक चीज़ है, इंडिया से और US से इधर डिफरेंट है। इधर सर्जरी का मीनिंग है डॉक्टर का ऑफिस, मतलब हमारे उधर सर्जरी मतलब ऑपरेशन होता है ना, इधर ऑपरेशन को ही ऑपरेशन बोलते हैं, सर्जरी का मीनिंग है डॉक्टर का ऑफिस। आपको है ना GP का सर्जरी टाइम मालूम करके रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सर्जरी टाइम मतलब GP कब से कब तक है, क्योंकि है ना अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम रहता है। जैसे कि हम लोग रहते हैं ना उस एरिया में, मंडे टू वेनसडे और फ्राइडे सुबह 8:30 टू इवनिंग 5 o'clock तक है, लेकिन थर्सडे 7 o'clock तक रहेगा शाम को। इसलिए आप लोग जगह पर, इसलिए अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइम रहते हैं। आप है ना अपने बच्चे के साथ इधर विजिट कर रहे हैं तो, अगर इधर आ रहे हैं तो अपने बच्चे का ना वैक्सीनेशन कार्ड लेकर आना भूलना नहीं, क्योंकि है ना इधर आने के बाद आप लोग इमीडिएटली वो बच्चे के साथ GP में दिखाना है। उसके बाद वो लोग है ना इधर के हिसाब से एक कार्ड आपको देंगे। अभी मैं मेरा एक्सपीरियंस बोल रही, मैं खुशी को GP में दिखाई थी, उसके बाद वो लोग क्या है घर पे एक हेल्थ विजिटर को भेज दिया। हेल्थ विजिटर का मतलब है, होता है ना कोई ट्रेन नर्स होगा तो मिडवाइफ है ना, उनको बोलते हैं। वो लोग घर पे आते हैं, फिर GP से ना हम लोग को एक रेड बुक देते हैं, वो वैक्सीनेशन कार्ड है ना इधर रेड बुक है, उसमें है ना वो लोग आकर है ना बच्चे को, अभी खुशी को देखने के लिए वो लोग 5 बार आई इधर। अगर कोई बच्चा बोर्न हो गया तो मुझे मालूम नहीं कितनी बार वो लोग आते हैं। हमारे घर में 5 बार आ गई थी, मतलब 1 साल के अंदर 5 बार आ गई थी। और उस समय वो लोग क्या है ना खुशी का थोड़ा चेकअप भी करते थे, उसका ग्रोथ कितना हो रहा है, वेट कितना हो रहा है, फिर वो रेड बुक में वो लोग लिख कर रखते थे। फिर हम लोग को ना बहुत सारे इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, क्यों वो लोग बताते इधर किधर है, मतलब होता है ना नया नया पेरेंट्स का एक ग्रुप होता है, उन वो लोग किधर है, फिर प्राइम ग्रुप रहता है। प्राइम ग्रुप मतलब है बच्चे को प्राइम में बिठा दो, फिर सारा पेरेंट्स मिलकर वो करने के लिए जाओ। फिर है लाइब्रेरी ग्रुप रहता है, लाइब्रेरी में बच्चे को वो लोग बताते आपका घर का आसपास में किधर है लाइब्रेरी, उधर जाओ, उधर भी एक ग्रुप रहता है उनके साथ, मतलब सारा बच्चे लोग है ना मिलजुलते तो क्या बोलते हैं मिलजुल सब लोग मिल के आए तो है ना बच्चे को भी थोड़ा अच्छा लगेगा, वो लोग लैंग्वेज भी जल्दी सीख जाते हैं। वो सब है ना वो लोग मुझे ऐसा बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिया है उन लोगों ने। सिर्फ मम्मी का भी नहीं, डैडी ग्रुप अलग रहता है, वो भी वो लोग बताते हैं। फिर हमारा भी थोड़ा ध्यान रखते हैं, क्योंकि छोटी बच्ची है ना, उस समय हम लोग को भी रात को सोने का थोड़ा दिक्कत होता है, उस समय क्या क्या करना है। फिर वो लोग आने के बाद एक चीज़ देखा है, क्योंकि हमारे घर में चुंगसी भी था ना उस समय, उसका 7 years old था, मतलब उसका सेपरेट रूम है, वो भी देखा है। वो लोग जाकर चुंगसी का रूम देखा है, उस समय चुंगसी हमारे साथ ही सोते थे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने दूसरा एक रूम दिखाया था, बेड दिखाया था। वो लोग आकर हर बार आकर वो रूम में देखे, वो अकेला सोता है, खुशी के लिए अलग सा बेड है, वो भी वो लोग देखते हैं। वो इतना सीरियस कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो लोग वो सब देखते हैं। वो एक मुझे अच्छा लगा, बहुत सारा मुझे उससे बहुत यूज़फुल लगा उस समय, क्योंकि इधर मैं नई नई आई तो मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। उन लोगों ने फिर बहुत सारा बुक्स भी दिया इधर के बारे में, क्या क्या करना है बच्चे के बारे में, उससे बहुत मुझे फ़ायदा मिल गया। इसलिए आप लोग भी आकर इमीडिएटली बच्चे को GP में एक बार दिखाना। फिर इधर है ना
जीपी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना, एनएचएस चलाते हैं। एनएचएस इधर सब लोगों के लिए फ्री है, लेकिन मेडिसिन फ्री नहीं है। सिर्फ दिखाते हैं ना, वो दिखाने के बाद हम लोग को कुछ भी ट्रीटमेंट रहता है ना, वो फ्री है, लेकिन मेडिसिन फ्री नहीं है। फिर है कोई कोई लोगों को है ना मेडिसिन भी फ्री रहेगा, वही होता है ना, कोई कोई लोगों का सैलरी के ऊपर डिपेंड करता है, इतना सैलरी है तो उन लोगों के लिए फ्री रहता है, वो भी है। हाँ, फिर है आपको है ना, अगर आपका कुछ तबीयत बहुत ख़राब हो गया अभी अर्ली मॉर्निंग या रात को, अभी हमारे इधर तो 8:30 to 5 o'clock या 7 o'clock की है ना, कभी कभी उसके बाद कुछ प्रॉब्लम होते हैं, तबीयत ख़राब होते हैं, तब क्या करना है, इधर ए एंड ई रहते हैं, मतलब एक्सीडेंट एंड एमरजेंसी, क्योंकि उधर आप लोग इमिडिएट जा सकते हैं, उधर जाकर आप लोग दिखा सकते हैं। उससे भी बहुत क्रिटिकल है, आप लोग नहीं जा सकते तो है ना, आप लोग एम्बुलेंस कॉल कर सकते हैं, वो लोग घर पे आकर आपका ट्रीटमेंट करेगा, वो भी है। फिर क्या है, फिर क्या है, इधर कफ एंड कोल्ड के लिए ना बच्चे को फ्लू जाब देते हैं, इधर स्कूल में भी फ्लू जाब देते हैं, लेकिन क्या ना स्कूल से एक परमिशन लेटर देते हैं, वो परमिशन लेटर में हम लोग साइन करके देना, फिर उसके बाद बच्चे स्कूल जाना शुरू किया था ना, स्कूल से ही वो देना शुरू करते हैं, हम लोग जीपी लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर स्कूल में मिस हो गया तो फिर जीपी में जाकर देना पड़ता है, बड़ों के लिए ना जीपी में ही जाकर वो करना पड़ता है। इधर क्या ना एनएचएस तो फ्री है, लेकिन उधर है ना अपॉइंटमेंट मिलने के लिए कभी कभी महीने लग जाते हैं, उसी वजह से ना कभी कभी बीमारी बढ़ने का भी चांसेस है। हम लोगों को पहली बार एक एक्सपीरियंस हुआ, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, इमीडिएटली एक प्राइवेट मेडिकल इंश्योरेंस लेकर रखा है। मैं आप लोगों को भी वही सजेस्ट करती हूँ, आप लोग भी इधर आने के बाद है ना ये प्राइवेट मेडिकल इंश्योरेंस लेकर रखना है। बहुत सारा कंपनीज है ना ये प्रोवाइड करते हैं। फिर है ना आपको एक बार ये इंश्योरेंस मिलने के बाद है ना, आप जीपी में जाओ, उधर से एक लेटर ले लो, फिर आप प्राइवेट में दिखा सकते, फिर ट्रीटमेंट सब है ना जल्दी जल्दी हो जाता है, वो भी आप लोग ध्यान रखना इधर आने के बाद। हाँ, अब बात है डेंटिस पर। इधर है ना बच्चों के लिए एनएचएस डेंटल सर्विस है ना फ्री है, बच्चों का मतलब है अंडर 18 तक बच्चों को फ्री है, बड़ों के लिए पैसा देना पड़ता है। इसलिए आप लोग अभी जीपी में रजिस्टर करते हैं ना, इसलिए आपका घर के उधर का एनएचएस डेंटल केयर में, डेंटल प्रैक्टिस में जाकर आप लोग रजिस्टर करना भूलना नहीं। फिर मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, आप लोग है ना एक 6 महीने में ना अपने बच्चे को उधर दिखा दो, क्योंकि फ्री है ना, वो लोग अच्छे से चेकअप करेंगे, थोड़ा क्लीनिंग वो सब करेंगे, आप लोग जाकर दिखाना। क्योंकि हम लोगों ने गलती किया था, हम लोगों को मालूम नहीं था ये इसके बारे में, हम लोगों ने सीधा हमारे घर के पास में एक प्राइवेट क्लिनिक था उधर जाकर दिखाया, इतना बड़ा एक अमाउंट आ गया, मतलब मिनिमम 100 से कुछ नहीं है, 100 से ऊपर है, हम लोग को उस समय 300 से ऊपर पाउंड आ गया था, छोटा सा कुछ खुशी को कुछ प्रॉब्लम हो गया था। फिर उसके बाद मेरी एक फ्रेंड ने बताया था क्यों ऐसा दिखाया, वो आप लोग वो गलती मत करना, आप लोग तो आकर इमीडिएटली ये NHS डेंटल प्रैक्टिस में जाकर रजिस्टर करना भूलना नहीं। फिर है मेडिसिन। मेडिसिन क्या है ना, आपको इधर नॉर्मल मेडिसिन है ना, पैरासिटामोल, न्यूरोफिन, फिर क्या है कफ एंड कोल्ड का मेडिसिन है ना, वो सब आपको इधर बूट्स, सेन्सबरी, नहीं तो आपका घर का आसपास में फार्मासिस्ट है ना उधर आपको आराम से मिल जाते हैं, लेकिन एंटीबायोटिक्स है ना वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अलावा आपको नहीं मिलेगा। इस वो एक बात है, मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ अगर आप इंडिया से या कोई और जगह से आ रहे तो ना आप लोग अपना दवा लेकर आ जाओ, कोई कोई होता ना ज़रूरी की, मेन है कफ मेडिसिन, क्योंकि मैंने इधर बहुत सारा कफ मेडिसिन यूज़ किया है, मुझे कोई मतलब असर नहीं लगा, बहुत टाइम लगता है, लेकिन मैंने इंडिया से जो लेकर आया था ना इमीडिएट असर होता है, इसलिए मैं आपको बोल रही कफ मेडिसिन लेकर आए तो बहुत अच्छा है। फिर मेरी एक फ्रेंड ने पूछा था इधर उनका बच्चे का आस्मा है, इधर आकर कुछ प्रॉब्लम होगा ऐसा पूछा था, अभी मुझे इसके बारे में इतना ही बोलना है, मतलब जीपी के बारे में इतना ही बोलना है, मैं अभी मेरी फ्रेंड ने पूछा उसका जवाब दे रही। मैं आपको बोल रही आप कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आकर इधर आपका बच्चे को जीपी में दिखा दो, वो लोग है ना आपको सजेस्ट करेंगे किधर दिखाना है, क्या क्या करना है, वो सब वो लोग आपको एक्स्ट्रा केयर देंगे, कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरी एक फ्रेंड को ये प्रॉब्लम हुआ था, उसको क्या प्रॉब्लम हुआ था, इधर का कारपेट की वजह से, क्योंकि इधर मैक्सिमम घर में है ना कारपेट रहते हैं,
वो कितना भी क्लीन करो उसमें है ना थोड़ा तो डस्ट रहेगा ही रहेगा। इसलिए आप इधर आ रहे हो तो वुडन फ्लोरिंग है ना वैसा वाला घर ढूंढ गया तो ज़्यादा अच्छा है। अगर कारपेट है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जीपी में उनको होते ना वो कुछ ना कुछ हेल्प करेगा आपको। फिर है आपका बच्चा अगर स्कूल जा रहे उधर क्या है उस समय आपको होता ना ये कुछ ना कुछ दवा रहता है ना वो टाइम टू टाइम खाना पड़ता है, वो इधर क्या है ना बच्चे का स्कूल बैग में हम लोग डालो बच्चा खुद से कहेगा, इधर अलाउड नहीं है वो। आप लोग क्या करना है जीपी से मतलब डॉक्टर से एक लेटर ले लो, वो स्कूल में ऑफिस में जाकर दे दो, वो लोग है ना टाइम टू टाइम बच्चे को वो देंगे। होता है ना ये आस्थमा अगर पेशेंट है तो उनको इनहेलर का या कुछ और मेडिसिन वो सब स्कूल ऑफिस में जाकर दे दो, लेकिन वो लेटर होना चाहिए डॉक्टर का, वो लोग करेक्ट टाइम में वो देखभाल करेंगे। इसलिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग आप बिना टेंशन पर इधर आ सकते हैं। इतना ही है, मुझे लगता है आप लोगों को आज का वीडियो थोड़ा सा यूज़फुल हो गया होगा और पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आ गया तो मालूम है ना क्या करना है, लाइक करना भूलना नहीं। और आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और कमेंट करना भूलना नहीं। और आप ये वीडियो है ना आपका फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।